ई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में हिस्टोग्राम चार्ट्स का निर्माण कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सेल में हिस्टोग्राम का निर्माण कैसे करेंगे वो आज हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे। तो आपने देखा कि हमारे पास इंसर्ट में जाएंगे तो आपने बहुत सारे यहाँ पे मेन्यू देखे, ये पूरे के मेन्यू चार्ट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे कई प्रकार के चार्ट्स हैं, इसमें से एक चार्ट्स ये वाला है जिसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। तो इसका हम निर्माण कैसे करेंगे वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक टेबल यहाँ पे बनाया है। तो आप देख रहे कि मैंने टेबल में 10 संख्या ली हैं, स्टूडेंट्स के नेम मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं और ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो हमारे 100 में से हैं मार्क्स। अब यहाँ पे हमें एक क्लास इंटरवल बनाना होगा जिसको हम बिन भी बोलते हैं। एक्सेल में क्लास इंटरवल को हम बिन के रूप में हम यहाँ पे जानते हैं। तो हमने 20 लिया है कि 20 में से 40 मतलब 0 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स प्राप्त किए, ऐसे 20 से 40 के बीच में कितने मार्क्स प्राप्त किए, यहाँ से 40 से 60 के बीच में कितने स्टूडेंट ने मार्क्स किए प्राप्त किए, 60 to 80 और 80 से 100 के बीच में। अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो हमारा हिस्टोग्राम ग्राफ जिसको हम चार्ट बोलते हैं वो नहीं बन पाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बिन का होना, तभी आप इसको डिफाइन करेंगे। हमने 10 ले रखे हैं स्टूडेंट्स, तो हमने इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। आप इसको 3 भी कर सकते हैं, चाहे तो आप 10 भी कैटेगरीज इसको कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका निर्माण कैसे होगा, इसका निर्माण थोड़ा अलग टाइप का होता है थोड़ा और चार्ट्स की तुलना में। तो इसके लिए हमें डेटा में जाना होगा। सबसे पहले हम डेटा में जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हो डेटा एनालिसिस, ये डेटा एनालिसिस है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक आ रहा है हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम ऑप्शन आ रहा है, इसको जैसे हम ओके करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले से रेंज डिफाइन है हम उसको हटा देंगे। यहाँ पूछ रहा है इनपुट रेंज, इनपुट आपको करना है तो हमें मार्क्स के करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपने देखा कि हमने आपसे यहाँ तक मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया, हमारी रेंज आ गई है। अब ये पूछ रहा है कि बिन रेंज कौन सी आपकी, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये बिन रेंज हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी बिन रेंज हो गई। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है, हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, आउटपुट जहाँ पर आप आउटपुट लेना चाहते हैं ग्राफ का उसकी रेंज आपको डिफाइन करनी होगी। तो यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्टोग्राम बन जाए, तो मैंने रेंज यहाँ पे डिफाइन उसकी कर दी है। इसके बाद अगर चार्ट का आउटपुट आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो दूसरी जगह पर जाके ये आपको चार्ट का आउटपुट दिखाएगा। अगर यहीं क्लिक करोगे तो ये जो रेंज आपने डिसाइड करी वहीं पे ये आउटपुट इसका आ जाएगा। अब हमने दोबारा मैं रिवाइंड कर देता हूँ, पहले हमने इनपुट रेंज यहाँ पे डिफाइन करा, फिर बिन रेंज करा, फिर आउटपुट रेंज हमने डिफाइन करा कि हम कहाँ पे आउटपुट लेंगे इसका, और उसके बाद हमने चार्ट आउटपुट को सिलेक्ट किया। अब हम ओके करेंगे, जब हम ओके करेंगे आप देखेंगे कि हमारा हिस्टोग्राम बन गया है ये, और एक छोटा सा टेबल भी यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस टेबल को समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो मार्क्स हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 हमारा एक ही मार्क्स है, तो यहाँ पर आ गया 20 से 40 के बीच में हम यहाँ पे देखेंगे कोई मार्क्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। इसके बाद 40, इसके बाद आपके 40 से 60 के बीच में 4 मार्क्स हैं हमारे, ठीक है, 60 के बीच में 50 भी आ गया, 1 2 3 4 हमारे यहाँ पे आ गए। 60 से 80 के बीच हमारे 3 हैं और 80 से 100 के बीच हमारे 2 मार्क्स आए, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 92 आ गया, एक 91 आ गया, हमारे 2 मार्क्स आए। तो आपने देखा कि हमारा कैलकुलेशन एकदम 3 है, एकदम सही है, 4 और 3 7 8 9 10, और ये पूरी संख्या भी 10 है। अब इसके आधार पे जो हमें फ्रीक्वेंसी
ऑटो इसने बनाई है, ऑटो कैलकुलेट करिए हमारे इसके लिए, क्योंकि हिस्टोग्राम के लिए फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता होती है, क्लास इंटरवल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो हमारा बिन है क्लास इंटरवल, उसने यहाँ पे दिखा दिया 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ठीक है। और इधर फ्रिक्वेंसी दिखा दी जो इसने ऑटो कलेक्ट करी है, ऑटो उसको कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये बता रहा है 20 हमारा एक ही बच्चे के नंबर आए हैं 20 के करीब, 60 हमारे लगभग चार बच्चों के आए हैं 40 से 60 के बीच, 80 हमारे तीन बच्चों के आए 60 to 80 के बीच जो मार्क्स हैं तीन जनों के आए, और 80 to 100 के बीच हमारे दो बच्चों के मार्क्स आए। तो आपने देखा कि कितना शानदार तरीके से ये हिस्टोग्राम यहाँ पे डिफाइन हुआ है। आप इसको बाद में कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये आ रहा है ऊपर, जैसे आप चाहें उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, इतने शानदार तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से प्लस का चिन्ह भी है, जो डाटा लेबल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेजेंड इसमें पहले से आ रहा है, और यहाँ पर आपके फॉर्मेटिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे जिस फॉर्मेट में आप बनाना चाहें या उसको सेलेक्ट करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, तो हम डिफ़ॉल्ट पहला ले लेते हैं। तो ये हमारा था हिस्टोग्राम का निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसके जो मेजर स्टेप थे कि हिस्टोग्राम निर्माण करने के लिए आपको क्या कहाँ जाना पड़ेगा, डेटा में जाना पड़ेगा, और डेटा से डेटा एनालिसिस को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हिस्टोग्राम ऑप्शन खुलेगा, और उसके अंदर आपको ये सारी रेंज यहाँ से डिफाइन करनी होगी, आउटपुट रेंज और फिर चार्ट आउटपुट। तो आपने देखा कि कितने शानदार तरीके से हमने हिस्टोग्राम का यहाँ पे निर्माण किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे चार्ट्स आपको बनाना सिखाएंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।